सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में ड्रॉ करेंगे सौरव जोशी का स्केच और आउटलाइन हमने पहले से बना ली थी ग्रिड मेथड का यूज़ करके। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप उसमें सीख सकते हो कि ग्रिड मेथड को कैसे हम यूज़ करें, कैसे ड्रॉ करें डिफरेंट साइज पर, और ग्रिड मेथड के बारे में आपको फुल नॉलेज उस वीडियो को देख के हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो आपको आउटलाइन बनानी आ जाएगी। तो आज की वीडियो में ड्रॉ करेंगे सौरव जोशी का स्केच और उसके अंदर हम स्मूथ शेडिंग कैसे करें और उसे एक रियलिस्टिक स्केच कैसे बनाएं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ एंड तक और वीडियो को स्किप मत करना। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने और हमारे यूट्यूब फैमिली को ग्रो करना है हम सब ने मिलके। सो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। सो ज़्यादा ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो ग्रिड बनाए थे हम उसको इरेज करेंगे और यहाँ मैं एक नॉर्मल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती है और निडेड इरेजर का यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट और यहाँ ज़्यादा एरिया है इरेज करने के लिए। और मैंने थोड़ी डार्क लाइन लगाई थी ग्रिड बनाते हुए ताकि आपको वीडियो में क्लियरली विजिबल हो। तो अब इसको इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ी डार्क लाइन्स है, तो इसलिए मैं थोड़ी हार्ड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ जो नॉर्मल इरेज होती है उसका, निडेड इरेजर का यूज़ नहीं कर रहा। सो अब इसको हम अच्छे से इरेज कर लेंगे और जो भी डस्ट है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे शीट के आगे से और पीछे से भी, क्योंकि जब हम शेड करेंगे तो उसमें पैचेस आ जाएंगे अगर पीछे कोई डस्ट रह जाएगी, और जो हमारा बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ताकि हमारे जब स्केचिंग में शेडिंग करें तो उसमें पैचेस ना आए। सो जो भी हमारे स्केच के अंदर के जो ग्रेड हैं उसको इरेज करने के लिए आप मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर सकते हो या फिर अपने इरेजर को थोड़ा शार्प करके, नॉर्मल इरेजर को शार्प करके उसके साथ इरेज कर सकते हो अगर आपके पास मोनो जीरो इरेजर नहीं है तो। तो जब भी आप स्केच बनाओ तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले कौन सा पार्ट बनाना है, पहले कौन से पार्ट बनाएंगे तो हमें ईजी रहेगा। सो जैसे कि इसमें हेयर है जो काफ़ी मैसी है, सो उसको बनाएंगे तो हमारे जो स्पेक्स है और आइज़ का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ सकता है। लेकिन अगर हम पहले स्पेक्स को बना लेते हैं तो अगर जो भी हमारे चेंजेस होते हैं हेयर में, तो अगर हेयर में कोई चेंजेस हो भी जाते हैं तो वो चलता है क्योंकि वो हेयर है, वो सबके अलग अलग होते हैं, हिल जाते हैं हवा से ये वो, तो चलता है। लेकिन जो हम आइज़ है और जो चश्मा है अगर उसको हम गलत बनाएंगे तो हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो लगेगा नहीं कि ये जिसका हम स्केच बना रहे हैं ये वो है। तो इन बातों का ध्यान रखना है हमने जब भी बनाएंगे। सो सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि हम कौन से पार्ट से स्टार्ट करें, कौन सा इजी रहेगा और कौन से को बनाने से हमारा स्केच ठीक लगेगा और हमें सबसे पहले लुक आए कि हाँ ये बन रहा है, ताकि अगर हमसे कोई गड़बड़ हो और वो ख़राब हो जाए तो हमें पहले ही पता लग जाए, हमें पूरी मेहनत ना करनी पड़े उस स्केच के अंदर कि हाँ हमने पूरा बना दिया और बाद में वो गड़बड़ हो रही है उसके अंदर तो हमें वो कैंसिल करना पड़ेगा स्केच। सो इसलिए पहले हम ऐसे पार्ट बना लेंगे जिससे हमें पता लगे कि हाँ ये स्केच लग रहा है, सेम है और जो हमें बनाने में इजी रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पेक्स बनाए हैं, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे आइज़, फिर बनाएंगे नोज़, देन हम बनाएंगे लिप्स और फिर हम शेड करेंगे फेस को और फिर हम बनाएंगे बियर्ड। तो जैसे कि रेफरेंस पिक्चर में यहाँ पे जो स्पेक्स हैं इसके अंदर जो ग्लासेस है इसके ऊपर सामने रिफ्लेक्शन पड़ रही है और जो आइज़ के कुछ पार्ट हैं वो विजिबल नहीं है। सो हमें ट्राई करना है कि जितना हम हो सके उसे रियल बनाएं और जितना हमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उतना ही हम उसे बनाएं। तो जितना भी हमें दिखेगा हम उतना बनाएंगे रिफ्लेक्शन भी, ताकि उसमें ऐसा नहीं है कि अगर उसमें रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं लग रही और हम उसे छोड़ देंगे और हम नॉर्मल आइज़ बना देंगे। अगर हम नॉर्मल आइज़ बनाएंगे तो हमारा स्केच बिगड़ सकता है। सो हम ट्राई करें कि जितना रियल हो सके हम उसको उतना रियल रखें और जब भी आप अपना स्केच बनाओ तो उसको रेफरेंस पिक से जितना भी आपको समझ आता है उतना सेम बनाने की कोशिश करो। ऐसे धीरे धीरे करते आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगी। खुद से भी कुछ चीज़ प्रैक्टिस करने होती है लेकिन वो प्रैक्टिस वर्क में होते हैं। जो हम एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं उसके अंदर हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हम उसे रियलिस्टिक बना सकें और एक अच्छा पोर्ट्रेट बना सकें जिसका जो जिसकी रेफरेंस पिक्चर है वो उससे मैच करा सकें। सो उसमें हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जो भी हमें रेफरेंस पिक्चर में दिख रहा है हम उसे सेम कॉपी करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे होता है।
सो फेस को शेड करने के लिए मैं यहाँ पे HP पेंसिल और 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जो आइज़ और थोड़े डार्क एरिया हैं, जो थोड़े डार्क एरियाज़ हैं उसको ड्रॉ करने के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सो एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे अपने रेगुलरली स्केचेस पोस्ट करता रहता हूँ और स्टोरीज में भी रेगुलर पोस्ट करता हूँ वहाँ पे। सो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो और हम वहाँ पे बातें कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो मुझसे वहाँ पे। सो 500 सब्सक्राइबर हमारे YouTube चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं और जल्दी जल्दी हमने अब 1K कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम अपने चैनल पे गिव अवे करेंगे और आर्ट सप्लाइज का गिव अवे करेंगे और स्केचेस का गिव अवे करेंगे। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो पहले से देखते हैं उनको थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। तो जो आज की हमारी रेफरेंस पिक्चर है थोड़ी वाइट है और इसमें थोड़ी ज़्यादा डार्क शेडिंग हम नहीं कर सकते, इसलिए हम HB और 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे, जो बिल्कुल लाइट प्रेशर का अप्लाई करके हम उसे शेड करेंगे और उसको मैं ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगा। सो बाकी हमें सेम इसी मेथड के साथ बाकी सारे स्केच को शेड करना है, और आप देखो और इन्जॉय करो और सीखो। और जैसा कि आप सबको पता है कि सौरभ जोशी के बाल हैं जो काफ़ी स्ट्रेट हैं, और आपको रेफरेंस पिक्चर में भी यहाँ दिख रहा होगा कि बाल काफ़ी स्ट्रेट हैं सौरभ जोशी के। सो उसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, और थर्ड पार्ट में बताऊंगा मैं इसके जो क्लोथ्स हैं उसको कैसे शेड करें, क्योंकि वो भी काफ़ी ट्रिकी है और काफ़ी मतलब मुश्किल है, और काफ़ी टाइम उसमें लगेगा उसको ड्रॉ करने में, और उसको कैसे ड्रॉ करें वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।
सो जो भी ये मैंने अभी स्केच बनाया है ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर हाईलाइट भी देनी है हमने फेस के अंदर, और अच्छे से इरेज करके मोनोज़ेरो इरेजर वगैरह यूज़ करनी है, हाईलाइट्स देने अच्छे से। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा और हेयर कवर करूँगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपको मैं बताऊँ कैसे आप स्ट्रेट हेयर को कैसे ड्रॉ करो। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। इस चैनल को ग्रो करने में मेरी थोड़ी हेल्प होगी और हम सब इस चैनल को मिलकर ग्रो करेंगे। और अगर आपको भी किसी वीडियो के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, किसी टेक्निक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, किसी आर्ट सप्लाई में कंपेरिजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर मैं अपने आर्ट पर पोस्ट करता हूँ और हम वहाँ पर बात कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।